हेलो दोस्तों इंडियन कार गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है तो यह है मारुती सुजू की स्विफ्ट हैशबैक का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड टॉप सेलिंग वेरिएंट जो है वी मॉडल एंड इसमें कई सारी एसेसरीज भी इंस्टॉल्ड है जिसका मैं आपके साथ प्राइस शेयर करने वाला हूं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो सबसे पहले बात करें फ्रंट लुक के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलते हैं हेलोजन हेड लैम्प फॉग लैम्प्स इस वेरियंट में अवेलेबल नहीं है कुछ ऐसी आपको मिलती है फ्रंट ग्रिल के लुक एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको मिलती है टू ईयर्स एंड फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर्स की वारंटी इसकी टैग लाइन है एक्साइटमेंट लाइक नेवर बिफोर। इस हैचबैक की असेंबली हो रही है मारुति के मानेसर प्लांट में एंड स्विफ्ट तीन बार इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुके हैं जो है 2006, 2012 एंड 2019 में स्विफ्ट की एवरेज मंथली सेल है 17,000 यूनिट्स पर मंथ एंड राइवल वहीकल्स की सेल भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड इस वी एक्स आई ट्रिम में आपको मिलते हैं वन सिक्सटी फाइव बाई एटीन आर फोर्टीन स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स विद टर्न इंडिकेटर्स एंड यह है विंडो सनवाइजर जिसका प्राइस है ग्यारह सौ रुपए बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड यहाँ पे आपको मिलती है साइड वेटिंग जिसका प्राइस है पंद्रह सौ रुपए एंड ये है पार्ट ऑफ नेसेसरी अब बात करते हैं इस मारुति हेचबैग की डायमेंशन के बारे में तो मारुति स्विफ्ट की ग्राउंड है टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर बूट स्पेस टू सिक्स एट लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 सेवन लीटर एंड कर वेट है एट टू एट एटी के एंड कुछ ऐसे आपको मिलता है रियर डोर हैंडल यहाँ पे दिए गए रूफ एंटीना हाई माउंट स्टॉप लैम्प इस वेरियंट में आपको रियर डिफॉगर है रियर वाइपर नहीं मिलता स्विफ्ट में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैक स्ट्रट एंड रियर में टॉर्जन बीम अवेलेबल है इसके साथ ही यहाँ पे अवेलेबल है सिक्स कलर ऑप्शन जो है सॉलिड फायर रेड पर्ल आर्टिक व्हाइट मेटालिक सिल्की सिल्वर मेटालिक मैगमा ग्रे पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू पर्ल मेटालिक लूसेंट ऑरेंज एंड यहाँ पर आपको मिलते हैं एलईडी टेल लैम्प्स स्विफ्ट की बैजिंग एंड मारुति का लोगो एंड यहाँ पर आपको मिलते हैं चार पार्किंग सेंसर्स स्विफ्ट के हर एक वेरियंट का ऑन रोड प्राइस आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वी एक्स आई मॉडल अवेलेबल है मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शन में एंड अब चेक करते हैं बूट स्पेस तो यहाँ पे आपको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग यहाँ पे दिए गए ग्रैब हैंडल्स एंड ये स्विफ्ट का बूट स्पेस जो है 268 सिक्सटी एट लीटर्स एंड अब चेक करते हैं स्पेयर टायर तो यहाँ पे आपको मिलता 165 by 80, R14 wheel, आपको है 165 सिक्सटी फाइव बाई एटी आर फोर्टीन स्टील व्हील एंड इस एंड में आपको मिलती है रियर पार्सल ट्रे एंड अब रियर पार्सल ट्रे को रिमूव करके हम चेक करते हैं बेंच फोल्डिंग फंक्शन ऑफ रियर सीट्स तो कुछ इस तरह से हम रियर पार्सल ट्रे को रिमूव कर सकते हैं एंड अप फोल्ड कर लेते हैं रियर सीट्स को बूट को क्लोज कर लेते हैं चेक करते हैं बाकी एस्पेक्ट्स को मारुति स्विफ्ट बिल्टअप है मारुति के हार्टेक प्लेटफॉर्म पे एंड अक्टूबर नाइन 2018 को जब ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुआ था मारुति स्विफ्ट का तो इसने स्कोर किया था टू स्टार्स इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं सेफ्टी फीचर जैसे कि डुअल फ्रंट एयर बैग ए बी एस विद ए बी डी एन ब्रेक असिस्ट फ्रंट सीट बेल्ट एंड फोर्स लिमिटर पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस इंजन इमोबिलाइजर फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड बजर आइसोविक्स चाइल्ड सीट माउंट स्पीड अलर्ट सिस्टम रियर पार्किंग सेंसर सेंटर डोर लॉकिंग सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम एंड स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मारुति स्विफ्ट में करंटली ऑफर करे जा रहे चार वेरिएंट जो है एल एक्स आई वी एक्स आई जेड एक्स आई एंड जेड एक्स आई प्लस वेरियंट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है मिड वी एक्स आई ट्रेम एंड अब बोनट को ओपन कर लेते हैं बात करते हैं इस हैशबै के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो मारुति स्विफ्ट में आपको अर्लियर वन पॉइंट थ्री लीटर डीजल इंजन मिलता था लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है अब इसमें सिर्फ आपको एक पेट्रोल इंजन ही मिलता है जो है वन पॉइंट टू लीटर के सीरीज फोर सिलेंडर वी वी टी इंजन जिसकी पावर है एटी टू टॉर्क दिया गया वन वन थ्री का यह अवेलेबल है फाइव स्पीड मैनुअल और फाइव स्वीड एम टी के साथ जिसकी ए ए आई सर्टिफाइड माइलेज है ट्वेंटी वन पॉइंट टू वन के एम पी एल एंड इसके साथ ही अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी में स्विफ्ट फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा विद वन पॉइंट टू लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन जिसकी पावर होगी एटी नाइन बी एच पी और टॉर्क मिलेगा वन वन थ्री एन एम स्विफ्ट वी एक्स आई और जितने भी उसके राइवल वेरियंट्स हैं उन सबका ऑन रोड प्राइस आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर स्विफ्ट वी एक्स आई मैनुअल का ऑन रोड प्राइज सिक्स पॉइंट नाइन लैक एंड स्विफ्ट वी एक्स आई आटोमेटिक का ऑन रोड प्राइजे सेवन पॉइंट फोर टू लैक इसके साथ ही स्विफ्ट वी एक्स आई और जेड एक्स आई वेरियर को कंपेयर करें तो इसमें आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है सिक्सटी फाइव थाउजेंड का एंड इस अमाउंट को पे करने आज जो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जेड एक्स आई ट्रिम में वो है फ्रंट टू ट्विटर्स पावर फोल्डेबल ओ आर वी एम्स लगेज लैम कीलेस एंट्री इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद स्मार्ट की आटोमेटिक ए सी रियर डिफॉगर रियर वाइपर एंड वॉशर, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट सीट फ्रंट फॉक लैम्प ड्राइवर साइड पावर विंडो विद एंटी पिंच एंड ऑटो अव फिफ्टीन इंच अलॉय व्हील्स लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दो रिमोट कीज और यहाँ पे आपको मिलते हैं दो स्विचेस लॉक एंड अनलॉक तो मारुति स्विफ्ट में आपको मिलता है सिंगल टोन ब्लैक इंटीरियर यहाँ पे मिलता है हेडलैम्प लेवलर क्लच फुट रेस्ट एंड यह फ्यूल टैंक ओपन करने का स्विच एंड यह फ्रंट डोर के लुक यहाँ पे दिए गए हैं क्रोम इनसाइड डोर हैंडल ओ आर वी एम सेंट्रल लॉकिंग एंड पावर विंडो कंट्रोल्स एंड ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको मिलती है ऑटो तो डाउन के साथ एंड यहाँ पे मिलते हैं कुशन पैड एंड नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मिलते हैं स्पीकर बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट एंड यहाँ पर है लेदर रेप स्टेयरिंग व्हील जिसका प्राइस है सिक्सटी फाइव हंड्रेड एंड फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेड्रेस है मिलते हैं इस वे में एंड इवन हाइट एडजस्टमेंट भी मिलते हैं ड्राइवर साइड सीट के लिए एंड अब चलते हैं कैबिन में एंड फ्रंट डोर को भी क्लोज कर लेते हैं तो कुछ ऐसा आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट साइड आपको मिलता है अनलॉक स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट साइड दिया गया आपको टैकोमीटर एंड दोनों में आपको मिलती है रेड नीडल्स डल्स एम डिस्प्ले करता है डिजिटल क्लॉक डूअल ट्रिप मीटर एवरेज एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड डिस्टेंस टू एम एंड कुछ ऐसा आपको मिलता है फ्लैट बॉटम स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे कुछ दिए गए कंट्रोल्स राइट साइड कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है एंड ब्लूटूथ एंड कॉलिंग कंट्रोल्स स्विफ्ट में आपको मिलती है सिर्फ ट्रिल्ट एडजस्टमेंट एंड यह टू डेन का म्यूजिक सिस्टम जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ ऑक्स थ्री एंड रेडियो को इसके साथ ही इस में आपको मिलते हैं चार स्पीकर ट्विटर आपको जेट एक्साइड ट्रिम से मिलते हैं एंड यह फोर स्पीड मैनुअल एसी विद हीटर यहाँ पे मिलता है ट्वेल्व वोल्ट का पावर सॉकेट एंड यूएस बी एंड ऑक्सपोर्ट इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलते हैं दो कप होल्डर्स ये है फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ सिल्वर सराउंड एंड पार्किंग लेवर टिप आपको मिलती है क्रोम में एंड कुछ ऐसा आपको मिलता है ग्लव बॉक्स एंड इसमें भी डिसेंट स्पेस अवेलेबल है पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर एंड यह है फ्रंट कैबिन लैम्प विथ हीटर डिबिंग फंक्शन डे एंड नाइट आई आर वी एम एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको मिलता है टिकेट होल्डर एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स एंड हैंडल आपको कुछ इस तरह माउंटेड मिलता है एंड यह रियर डोर की लुक जो कि आता है सिंगल टोन फिनिश में लाइक फ्रंट क्रोम इनसाइड डोर हैंडल पावर विंडो कंट्रोल्स एंड यहाँ पे अवेलेबल है आर्म रेस्ट एंड यहाँ पे मिलते हैं स्पीकर्स एंड बॉटल होल्डर मेरा पॉकेट रियर डोर के लिए अवेलेबल नहीं है एंड यह रियर सीट्स के लुक रियर पैसेंजर के लिए इस वीरेंट में एडजस्टेबल हेड्रेस अवेलेबल नहीं है एंड रियर पार्सल ट्रे भी अवेलेबल है इस वेरेंट में सिंस सीट कवर इंस्टॉल्ड है तो ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड आपको मिलती है सीट बैक पॉकेट एंड यह बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है कोलेपसबल ग्रैब हैंडल एंड ईवन यहाँ पर भी अवेलेबल है तो कुछ ऐसा आपको मिलता है फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू तो कैसा लगा आपको स्विफ्ट वी एक्स आई वेरेंट का रिव्यू एंड क्या आप स्विफ्ट वी एक्स आई वेरियंट परचेस करेंगे या कोई और वेरियंट परचेस करेंगे इस हैचबैक का ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में